सुखी का साधन, करुणा का सागर, महान हस्ती श्री परम पावन दलाई लामा जी को नमन करता हूँ। साथ ही साथ सभी मेरे प्रिय मित्रों और मेरे दर्शकों को, सभी को मैं नमस्कार, नमो बुद्धाय, टच दिले कहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आज जो शॉर्ट वीडियो थी दलाई लामा की, जिसको ब्लर कर कर लोगों के प्रति फैलाया गया, दलाई लामा के फॉलोवर्स, दलाई लामा के अनुयायी, बुद्धिस्ट, नॉन बुद्धिस्ट, टिबेटन्स लोग, सभी लोगों को उस छोटी सी वीडियो से बहुत दुख पहुंचा है। उसी को, उसकी कन्फ्यूज़न को, दलाई लामा की जो फुल वीडियो क्या है उसको हम पूरा झूम करके अच्छे से देखेंगे, ठीक है? और सारी की सारी कन्फ्यूज़न हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी तरीके से, शिद्दत से इस वीडियो को शेयर करेंगे, सभी लोगों के पास भेजेंगे कि लोगों की जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ब्लर करके ना, और इस तरीके से एडिट किया गया ना, यहाँ तक कि मैं भी देखूँ या आप भी देखें, तो एक इतना बड़ा डाउट खड़ा हो जाए ना, जिसको हम मतलब जितना भी उस पर एक्सप्लेन किया जाए, जितना भी उसके बारे में चर्चा करी जाए, हमें उसको समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से एडिट किया गया, ठीक है? मैं अच्छे से क्लियर से अभी यहाँ पर सब कुछ कंफर्म करने वाले, ठीक है? तो मिलकर हम इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है? Can I hug you? कहा है, कैन आई हग यू? दलाई लामा 87 साल के हैं, उनको थोड़ा सुनने में तकलीफ है, तो उन्होंने पूछा जो पीछे लोग हैं कि क्या कह रहा है ये बच्चा, है ना? तो कह रहे कि वो पूछ रहे, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैं आपको गले लगा सकता हूँ, तो वो बताया। कहते सबसे पहले हेयर, इतना प्यारा बच्चे को, एक अपने दादा, एक बाप, एक माँ किस तरीके से अपने बच्चों पे प्यार दिखाते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से। फिर उन्होंने कहा यहाँ पर एक मजाक में कहा, यहाँ पर एक प्यार है ये अपनेपन का, समझो, अभी भी समझो, प्लीज़ समझो। अभी दिखाता हूँ, अब मजाक करेंगे, एक दादा अपने बच्चों से कैसे मजाक करते हैं, देखना। उन्होंने कहा है मेरे जीभ चाटो, देखो। लोगों ने कितने कमेंट किए थे यहाँ पे कि दलाई लामा ने क्या कहा है, सक माई टंग, सक किया है क्या, आंखों से देखा है, सक किया है, नहीं ना, मजाक किया था। एक दादा, दादा का एक रूप निभाया उन्होंने अपना, कि किस तरीके से बच्चों के साथ मजाक करते, उनकी खुशियाँ, ये सब खुशियों का एक राज है, खुशी कैसे उत्पन्न करते हैं, कहीं ढूंढने से खुशी नहीं मिलती, खुशी अपने अंदर से आता है। थैंक यू। नाउ यू शुड लुक दोस गुड ह्यूमन बीइंग हु क्रिएट पीस हैप्पीनेस शुड नॉट फॉलो दोस ह्यूमन बीइंग हु ऑलवेज किलिंग अदर पीपल यू शुड नॉट लुक। क्या कहा है दलाई लामा जी ने, सुना है आप लोगों ने? तुम एक ऐसे इंसान बनना जो लोगों के लिए खुशियों का कुछ उत्पन्न कर सको, ना कि ऐसे लोग बनना जो दुनिया को तबाह करें, लोगों को दुष्ट कष्ट पहुंचाएं, लोगों को बुरा करें। उन्होंने साफ साफ कहा है, तुम मेरे एक छोटे प्यारे से भाई जैसे हो, गले लगा के कहा है। कितना लक्की है ये बच्चा, थैंक गॉड कि इतना लक्की है, काश हम भी इतने किस्मत वाले होते, है ना? जो आप लोगों के थॉट्स अब तो क्लियर हो गए कि क्या था इसमें, टंग पे किस किया, नहीं किया, असल में ये सक माई टंग का है ना दलाई लामा ने, ये एक्चुअली ईट माई टंग होता है, ठीक है? जैसे कि सभी लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है कि सक माई टंग इस तरीके की, मतलब ये टाइटल यूज़ कर करके ना बहुत लोगों को, मतलब हालांकि यहाँ पर नहीं है ना सक माई टंग, असल में ये तिब्बत का कल्चर है, ईट माई टंग जो प्राचीन तिब्बत से तिब्बत में चलता आ रहा है, और ख़ासकर ये तिब्बत में 3-4 जो राज्य हैं, अम्दो, खम्बा, उइसंग, तो दलाई लामा जी अम्दो से बिलोंग करते हैं, यानी कि अम्दो में बहुत ही कॉमन, एकदम बहुत बच्चों को बहुत लगाव करते हैं इस तरीके से, मतलब बहुत खेलते हैं। तो जो दलाई लामा ने कहा कि इट माई टंग असल में है ना, जैसे कि इसमें सक माई टंग, दलाई लामा की इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है, तो मिस पॉक ये वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने सच देखा ना क्या है,
तो उस पर ज़्यादा तब हम लोग को एकदम ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, हमने एकदम जूम करके क्लियरली आप लोगों को मतलब कि कोई डाउट ना हो। मैंने ये वीडियो बनाया है, इस पर कितने कमेंट में अभी सब दिखाऊंगा, कहते हैं कि आपने गलत कहा है, ये है वो है। इफ माई ग्रैंड पा टोल्ड मी और नो वन ऑफ माई चिल्ड्रेन टू सक हिज टंग, आई वुड स्टे फार अवे फ्रॉम हिम एंड ऑल्सो मेक श्योर नो चिल्ड्रेन केम अराउंड हिम बाय इन्फॉर्मिंग एवरी फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर वट ही सेड दैट जस्ट अ क्रिस्पी क्रीपी और वर्स देन ब्रेंडन स्निफ्टिंग चिल्ड्रेन एंड ग्रैपिंग देम, योर टैग ऑन दिस वाज रॉन्ग शाक्या। वाह, मेरा नाम भी लिखा है इन्होंने, अच्छे से लिखा है। इन्होंने कहा है कि अगर मेरे दादाजी मुझसे कहते कि मेरी जीभ चाट लो तो वह कहते मैं बहुत दूर भाग जाता है ना, हालांकि उन्होंने मजाक किया है, जैसे हम कहते ना ले मेरी जीभ खा ले, एक बच्चे को इतना प्यार आके कहते ना ले मेरी जीभ चाट ले कहते ना, तो इस तरीके की है। तो क्या उन्होंने जीभ चटवाई नहीं ना, हम मजाक ही तो करते, तो वो एकदम उसने प्यार से मजाक किया, इतना क्यूट से बच्चा लगा उनको, बहुत मजाक किया। तो वो कहते ये कहते कि हम तो दूर भाग जाते, और हालांकि हम ही नहीं, उनके आसपास कोई भी दूर नहीं, उनके आसपास भी कोई नहीं आता। फैमिली मेम्बर वट ही सेड दैट इज जस्ट क्रिस्पी, अब ये क्या क्या कहा है पता नहीं। वो कहते तुमने जो निर्णय लिया है, तुमने जो यहाँ पे सजेशन दिया वो गलत है। किस तरीके से गलत है भाई, हमें भी समझाओ, हम भी तो समझें। मैं सॉरी चाहूँगा अगर इंग्लिश में कुछ मेरे वर्ड आएंगे, और ख़ासकर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना अंग्रेज़ी में कमेंट लिखे हैं, हालांकि मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। आप ऐसा करते हो अपनी आत्मा से पूछो, मुझसे मेरे ऊपर कमेंट है, थैंक यू यार कमेंट करने के लिए, कि मुझे भी तो लगा कि हाँ मुझे भी तो जानना चाहिए कि मैं वीडियो कुछ एक तो बनाया भी हूँ तो मैंने क्या किया है, मुझे भी तो यहाँ तक का पता चलना चाहिए ना। ईश्वर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, सूर्य अपना तेज रक्षा है, अच्छा सूर्य अपना तेज रखता है, उसकी क्वालिटी जो भी आए जय सूरज ही रहेगा, जो हो सकता है उनके यदि क्या एडिट एक्टिंग से ईश्वर लोगों की आंखें खोल रहा है, हो धर्म गुरु के प्रति परमात्मा इससे बड़ा है, उन्हें फॉलो करें। ये कमेंट इन्होंने पॉजिटिव वे में किया है, ठीक है। उसके बाद इन्हीं का एक कमेंट और है सेम, वी कैन नॉट क्लोज आवर आईज टू वट वी शो एंड ही सेड इफ सम अदर गुरु दोज विल बी ओके विथ दैट, आई एम ओनली स्क्रेट इफ वट वी शो इन हियर इज ट्रू, द एक्ट इज सैड फॉर श्योर, अगर यह झूठ है तो ठीक है, पर अगर उनकी सोच खराब है तो हम कैसे फॉलो कर रहे हैं, हमें सोचना होगा, ऑल गुरुज सीम्स टू बी फेक इन दिस डेज, इनके अंदर एक डाउट है जो इनको क्लियर नहीं हुआ है, सॉरी कहना चाहूँगा, बट फिर भी मैं आपकी एक कुछ सोच, आपकी एक डाउट, आपकी एक जो विचार है जो दूसरी तरीके से हुआ है उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैंने वीडियो दिखाया है डिटेल में, ठीक है, उसको देख के आपको अच्छे से पता चला है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में हर एक गुरु को विश्वास करना आसान नहीं है, वो कहते हैं कि दलाई लामा ने जो भी बोला अच्छा बोला, बट इनको फिर भी विश्वास करना ज़रूरी है। तो बहुत धर्म में ये कहा गया है, टिबेटन से एक लाइन कहा गया, हाँ ये नहीं खेला थर पी थप तिनकी थर पर रंगले रगला शेपर गीस, बौद्ध धर्म में ये कहा गया है, बौद्ध धर्म बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ये नहीं कहते कि तुम मेरी ओर आ जाओ, मेरे मार्ग को अपनाओ, मेरा जो मार्गदर्शन है उस पर ही चलो, वो कहते हैं सबसे पहले सोचो समझो इसको परखो, आपको लगे कि इस पे चलना चाहिए तो चलो, वो किसी को फोर्स नहीं करते, वो कहते कि सोचो समझो परखो, आगे जानो इसको सीखो, हम बिना किसी चीज़ को सीखे एक अंधे के रास्ता दिखाने के सहम है, तो उसको परखो, उस पर जाँच करो, उसको सीखो, बिना सीखे हम जाँच भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, परख भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हालांकि बिना सीखे, तो उसको सीखो, उसको देखो,
आप रियलिटी क्या है वो आपको खुद खुद महसूस करो, अनुभव करो, उसके बाद उस चीज़ को निर्णय लो, ठीक है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहीं पे मैं आपका ये क्वेश्चन ख़त्म करना चाहूँगा। उसके बाद कोई फॉरनर, इट लुक्स क्लियर दैट ही इज़ किडिंग विद दैट चाइल्ड, बट हॉनेस्टली इज़ दिस राइट टू किस अ चाइल्ड ऑन द लिप्स एंड आस्क हिम टू सक माई टंग? आई डोंट नो हाउ यू पीपल आर हॉलीफाइंग इट एंड जस्टिफाइंग। ये फुल कमेंट है, बट मेरे यहाँ भी शॉर्ट कमेंट है, ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो एक मजाक कर रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा एक छोटा बच्चा, उनको बहुत ही लगाव है बच्चों से, बहुत ही ज़्यादा, हर एक इंसान को लगाव होता है, ह्यूमिनिटी है ना, ह्यूमिनिटी के लिए वर्क करते हैं, सब इंसान एक हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि तू नीचे जात का, ऊपरी जात का है। उन्होंने किसी के अंदर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया है, हालांकि देश विदेश किसी धर्म जाति पर किसी पे भी भेदभाव नहीं किया है। तो एक अपना बच्चा, एक दादा का फर्ज निभाया उन्होंने, तो गले लगाया है। एक माँ नहीं अपने बच्चे को चूमते, एक दादा नहीं अपने बच्चे को चूमते हैं। यहाँ पर कई सारे वीडियो भी होंगे, वो दलाई लामा का एग्जाम्पल रख के दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर एक गृहस्थ जीवन वाले लोग या कोई भी हो, वो क्या अपने माँ बाप हैं, माँ बाप का एक जो प्यार होता है बच्चों के ऊपर, तो क्या वो अपने बच्चों को चूमना, अपने बच्चों को प्यार करना छोड़ देंगे? अगर आप लोग ये ऐसी सोच रखोगे तो नहीं ना, एक ही प्यार था। तो इसको आप लोग शायद क्लियर हुआ होगा आप लोगों को ये डाउट, ठीक है। उसके बाद एक लोग हैं, वो कहते हैं, एक कमेंट करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू उसके लिए ना। आई एम सॉरी टू से, जो चीज़ गलत है उसे गलत कहना चाहिए। एक छोटे बच्चे को चूमने, उसके बाद उसे निहारना और फिर उसे अपनी जीभ चूसने के लिए कहना, क्या है, गलत नहीं है? दलाई लामा जी धार्मिक प्रकृति के होते हैं, कामुक प्रवृत्ति के नहीं। सॉरी, ये प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति था। ये कहते कि दलाई लामा एक नेचर से मिले हुए हैं, नेचर से बने हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचर के लिए काम करते हैं, जो भी, मतलब अच्छा अच्छा कहा है। लास्ट में क्या कहा है कि एक कामुक, जो सेक्सुअल अब्यूस्ड जो लोग, मतलब इस पे छोटे छोटे वीडियो पे जो लोग शब्द यूज़ कर रहे थे ना, तो वो कहते कि मतलब उनके अंदर ऐसी इस तरीके के नहीं होते। तो उन्होंने किया ही क्या है यहाँ पे, जो इस तरीके के आप लोग कमेंट कर रहे हो, कमेंट करने वाले। मैंने इसलिए इस वीडियो में अच्छे से सिखाया है, जूम करके दिखाया है कि हकीकत क्या है, वो आप पहचानो। हमारे कहने से, मैं नहीं कहता कि मैं दलाई लामा को इस तरीके से, मतलब उनकी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, तब भी आप आंख बंद करके विश्वास करो, है ना। अच्छे से मैंने एकदम झूम करके आप लोगों को दिखाया है क्या था क्या नहीं, अच्छे से समझाया है ना। तो आप अगर अब भी पॉजिटिव नहीं हो, तो शायद मैं नहीं कहता कि आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, या पर फिर भी एक उम्मीद है, एक दुआ कर रहा हूँ कि आप सुखी रहें, शांति रहें, अच्छे रहें। और एक और है, वो कहते हैं कि मैं हिंदू, आई एम हिंदू नॉट ओनली बाय बर्थ बट आई बाय कर्मास ऑल्सो। वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं किसी जाति से नहीं, पैदाश से नहीं, मैं अपने कर्म से हूँ। आई फॉलो माई रिलीजन विथ फुल फेथ एंड हॉनेस्टली, एंड इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम रीडिंग द हॉली बुक्स। मदर, डॉटर एंड सेंट्स आर कॉमन टू ऑल। योर मदर सेंट इन योर रिलीजन इज रिस्पेक्टेबल एज माइन। आई हैव बीन हियरिंग एंड वॉचिंग द SS दलाई लामा साइंस आई वॉज अ टीनएजर। SS दलाई लामा मीन्स हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा इज वेरी इनोसेंट, काइंड, हम्बल एंड आई एम श्योर ही हैज फॉर गिवेन हिज ईडो को, ये मेरे को पढ़ना नहीं आया क्या है, ऑफ पीपल विथ हाफ बैक्ड नॉलेज। पूरा मुझे को अच्छे से समझ में नहीं आया, बट फिर ये कहते हैं कि मैं बचपन से, जब मैं जवान हुआ हूँ, मैं सोचने की समझने की मेरे अंदर जब तक जब क्षमता आई है, तब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। कुछ धर्मा की, बुद्धिस्ट की बुक भी पढ़ी है, और मोम डैड मतलब जो भी हो, क्या क्या है यहाँ पे, रिस्पेक्टफुल टू मी एज माइन, सिमिलरली कुछ उनको
I have sharing watching this Dalai Lama humble. वो एक बहुत काइंड हैं, हम्बल हैं और ह्यूमनिटी के लिए वर्क करते हैं. वो उनको मतलब अच्छा लगा, मतलब ये कुछ पॉजिटिव में ही कमेंट है. मुझे इतना अच्छे से, मेरी अंग्रेजी नहीं है तो मुझे समझ में नहीं है, ठीक है. उसके बाद दैट वाज गेस्चर एंड इन पब्लिक दिस डेज There are force of evil working to insult well-respected religious leader like His Holiness Dalai Lama and His Holiness Pope Francis. These non-Hindu religious leaders are the most renowned and highly respected leader, even by King of President and Prime Minister. Whoever is trying to insult and defame such highly respected people only show their own degrading personalities. ये समझ में तो आया, बट कुछ होता है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता. एक होता है ना, हमको इंग्लिश नहीं आती, तो एक होता है कि हम समझ सकते पर हम उसको रिप्लाई नहीं कर सकते ना, तो इस तरीके का कुछ थोड़ा है. बट ये भी कुछ पॉजिटिव वे में ही कमेंट है. एक कमेंट बहुत ही बढ़िया है जो लक्की मानी शाही जी ने किया है. दिस वाई इज़ अ वेरी लक्की पर्सन एज ही प्लेस्ड बाय हिज होलीनेस. इतने अच्छे से गले लगा के एक अपनोपन का, एक दादाजी का फर्ज निभाया उन्होंने, इतने अच्छे से ब्लेसिंग मिला है. वो बहुत ही लक्की पर्सन हुआ, बहुत ही लक्की है बच्चा, ऐसा कहते हैं. बहुत अच्छा है. एक कुछ कमेंट वैसे तो अच्छा है, बट हम किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं. पर ये कमेंट ना बहुत ठीक ही है, मतलब जो भी उन्होंने कहा है ना बहुत बढ़िया कहा है. देखना ये कमेंट बहुत अच्छा है. एक जिनका सोच गंदा हो उनको हर जगह गंदी नज़र आती है. एक बच्चा को प्यार करना गलत हो गया. एक बच्चा इंसान यह नहीं कर सकता, एक बुरा इंसान ही कर सकता. जैसा कि लोगों ने गलत गलत कमेंट करे हैं और ये गलत वीडियो को बनाया, तो फिर लोग मतलब उसको उस तरीके से ही मतलब सोचेंगे, तो उनको पता चला. तो कहते एक क्या ये गंदा इंसान ही मतलब बच्चों से प्यार कर सकता है, जैसे कि उन्होंने लिप किस किया. वो एक अपना दादा परदादा का, एक तरीके का दादा का तरह एक पिताजी का फ़र्ज़ निभाया उन्होंने, एकदम अपना मान के. जैसे कि एक माँ बाप मॉम डैड अपने बच्चों को चूमते हैं, लिप किस करते हैं, गालों पर चूमते हैं, वो एक प्यार ही था अपना. तो वो क्या कहते हैं कि सिर्फ ये गंदा ऐसे मतलब लिप किस, क्या सिर्फ गंदा इंसान कर सकता है? क्या एक माँ बाप एक दादा अपने बच्चों को नहीं कर सकते? तो वो इनका अच्छा कमेंट था. और ज़्यादातर थैंक यू सभी मेरे टिबेटन और इंडियन और देश विदेशी के लोगों को, जो लोग पॉजिटिव वे में दलाई लामा को सपोर्ट किए हैं. बहुत धन्यवाद सभी लोगों को. और भी कमेंट हैं, आगे देखते रहिए. मेरी जीप सक करो बोला, टच करो नहीं गले भी जबरदस्ती पकड़ा. ओ माय गॉड, क्या बोला इन्होंने. बच्चा भी अनकंफर्टेबल हो गया, साफ दिख रहा है. आप भी एक्सप्लेन करने में कंफर्ट नहीं दिख रहे. जो पहली वीडियो थी, मतलब एक होता है ना, मुझे टिबेटन कल्चर के बारे में मैंने पढ़ाई करी. मैंने ये ईट माई टंग एक बुक भी पढ़ी थी, मुझे उसकी पूरी स्टोरी मुझे रिमाइंड नहीं हो रही थी, याद नहीं आ रहा था. मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देता हूँ ताकि लोगों को कुछ तो क्लियर होगा. अगर और भी डाउट होंगे तो हम, जैसे कि इस वीडियो में हम कंक्लूजन सबकी कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा दोबारा मैं पढ़ूंगा उसको. मैंने दोबारा पढ़ा तो उसको पूरा अच्छे से समझ में आया. तो इनका जो सक माई टंग है वो इनको मतलब, हालांकि जैसे मुझे, मैंने पढ़ा पर मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा था, तो इनको मतलब वो नहीं पता था, तो इन्होंने इसलिए मतलब ऐसा कमेंट किया है. और कहते कि क्या है, बच्चे को ज़बरदस्ती कमेंट किया. वो एक प्यार है. लास्ट में नहीं देखा आप लोगों ने कि दलाई लामा जब बच्चे को गले लगा रहे थे, उन्होंने चिमटी भरी उसको एक हंसाने के लिए, एक प्यार दिखाया अपनापन, तो वो था. तो भाई साहब शायद आपकी ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, ठीक है. और फिर एक और इनका कमेंट है, डोंट फॉरगेट सी सिंपिंग इज़ वॉचिंग हिम नाउ, ही इज़ वॉचिंग एवरी गुड टच एंड बैड टच ऑफ दलाई लामा. अब ये सी सिंपिंग कौन है? हो सकता है कि लोग कहते हैं कि इसके पीछे मीडिया वालों को, चाइना
ने पैसे दिए हैं ऐसा बुरा भला कहने के लिए, जो भी कहने के लिए बुरा भला, जितना भी ये शॉर्ट वीडियो बना के ब्लर करके ऐसे वैसे जो भी करने के लिए बुरा बुरा इंसल्ट करने के लिए, हालांकि दलाई लामा को बदनाम करने के लिए, सिर्फ दलाई लामा को ही नहीं, दलाई लामा के बारे में बुरा कहना यानी पूरी दुनिया को बुरा कहना, सभी लोगों को बुरा कहना एक समान है, क्योंकि सभी लोग दलाई लामा को मानते हैं, उसमें किसी धर्म का भेदभाव नहीं, सभी अलग अलग धर्म के लोग दलाई लामा को मानते हैं, क्योंकि दलाई लामा कोई धर्म नहीं सिखाते हैं, दलाई लामा एक इंसानियत सिखाते हैं। सबसे ज़रूरी है कि इंसान, अगर सच्चे इंसान मेन ज़रूरी है कि सबसे इंसान अगर सच्चे इंसान हो तो ना धर्म अच्छी चीज़ सिखाता है, तो अपना धर्म हर कोई उस तरीके से अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, ये कहते हैं कि मत भूलो सिंगजिंग आपको देख रहा है, क्या नाम है ये, सी सिंग पिंग इज़ वॉचिंग हिम, उनको देख रहा है, दलाई लामा जी को देख रहा है, वो ये टच गलत किया है कि सही किया, बोलते सिंगजिंग वो क्या करेंगे, पहले हैं कौन, मैं तो उनको जानता भी नहीं हालांकि, है ना, और दलाई लामा ने किया भी क्या है, एक प्यार ही तो किया है जो सब अपने माँ बाप एक बच्चों को करते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद ऐसा कौन कहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को, पुरुष को गलती हो गई और उन्होंने माना भी, मतलब इन्होंने शायद कुछ और कोई न्यूज़ पढ़ी होगी तो उनको मतलब थोड़ा सा समझ नहीं पाया होगा, जैसे कि दलाई लामा ने सॉरी बोला है ना, सॉरी क्यों बोला है, जिसको तिब्बतन कल्चर की नॉलेज नहीं है, जिनको एक अपने बच्चों के प्रति प्यार, उनको शायद ये नॉलेज नहीं है, तभी मतलब ऐसा ऐसा कह सकते हैं ना। मजबूर तो मीडिया वालों, जो लोग गलत बोलते हैं, उन लोगों ने मजबूर किया है कि दलाई लामा को माफ़ी मांगो, असल में गलती किसकी थी, दलाई लामा की इतनी सी भी गलती नहीं, इतनी सी भी बिल्कुल गलती नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने मजबूर किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ताकि आप लोगों आप लोग खुश हो। दलाई लामा कहते हैं आप मुझे बुरा कहो, मेरी इंसल्ट करो, मेरी तारीफ करो, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं सिर्फ एक इंसान हो, इंसानियत के नाते इंसानों के लिए लोगों के लिए बस भला करो और लोगों के प्रति अच्छी विचार रखो, अच्छी भावना रखो, वो मैटर करता है, कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और कमेंट है, नो वन इज़ डिफेमिंग हिम इन साइंस, ही इज़ डूइंग इट सो वेल हिमसेल्फ, नो वन फोर्स्ड हिम टू सीक प्लेजर ही हैज़ chosen and clearly he is not in some sort of meditation to fall back on his dug and own hole and fell in strength into it। मेरे पल्ले नहीं पड़ा भाई, सब सीधा बात करूँ तो ये क्या है, प्योर हिंदी में बहुत बढ़िया हिंदी लिखी है, मुझे पसंद आया। इस पर क्या लिखा है, शरणार्थी के नाम पर बेचारे बनकर पूरे विश्व में मुक्त में अरबों रुपया की राशि दान लेकर सबसे उत्कृष्ट भोग विलास की वस्तुओं को भोगते भोगते बगैर मेहनत किए हासिल करते करते इस प्रकार की हरकतें शुरू कर देना बड़ी बात नहीं है। शायद एक इनका क्वेश्चन हो सकता है, पर उन्होंने जो भी कहा ना बहुत एक तरीके का बुरा कहा है, मतलब उनको उन्होंने किसी से क्या कुछ मांगा है, या हम सब ने किसी से कुछ मांगा है? अगर हम किसी को दान करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं, है ना, तो ये कहते हैं फ्री में फ्री में फ्री में, बहुत मैंने जो भी इन्होंने शब्द यूज करे हैं ना बहुत ही बुरे किए हैं, हालांकि इनको शायद नॉलेज नहीं है, कोई नहीं, उनको जब नॉलेज होगी वो खुद, उनकी अवेयरनेस वो खुद जाग जाएंगे किसी दिन। ठीक है, द दलाई लामा फोर्स द बॉय टू किस हिम एंड सक हिज टंग, फोर्स हिम एंड देन स्क्वीज़ेस हिज चेक एंड द आर्मपिट ऑफ हिज आर्म, इट इज एब्रेशनल टू सी हाउ द चाइल्ड वॉक्स अवे एंड ही फोर्स इट अगेन, इट इज, मतलब जो दलाई लामा ने उनको गले लगाया और पप्पी के लिए कहा, मतलब शायद इन्होंने ये तो शब्द नहीं किया,
और फिर से गले लगाया, और जो एक उनको चुटकी, बच्चे को चुटकी करी ना, ऐसे क्या कहते हैं उसे, मजाक में कुतकुती की तरीके से एक हंसाने की खुशियों के तौर पे करी ना, तो वो कहते हैं वो सब फोर्स किया है। हालांकि इनको सच्चाई कुछ पता नहीं, खैर इंडियन नहीं है ना, तो मेरी वीडियो तो हिंदी में थी ना, और तो शायद, बट उसका सब टाइटल तो अंग्रेजी में था, तो अब इन्होंने क्या सोचा कैसे सोचा नहीं पता। इट इज़ क्लियर डैट दिस लॉर्ड इज नॉट एन enlightened person worthy of being respected and adored. If you do that in public, how will it be in private? हालांकि कुछ गलत नहीं है, फिर भी ये ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं कैसे बताऊं, किस जुबान से मतलब एक्सप्लेन करूं अब भी, जबकि इतना सब कुछ क्लियर करने के बाद भी मतलब ऐसा कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ। कहते कि इतना पब्लिक के सामने ये सब कर रहे हैं तो अंदर क्या करते होंगे, सॉरी मैं ऐसे सब इस बात को बोलने के लिए, बट हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान दलाई लामा को मानता है, बहुत आधी से ज़्यादा दुनिया उनकी अनुयायी है, सभी उनको रिस्पेक्ट करते हैं, बट फिर भी ऐसा कमेंट करना एकदम गलत है जो भी सोच रहे हैं। कुछ और भी कमेंट हैं, मुझे पढ़ने नहीं आ रहे। एज बुद्धा सेड, इग्नोरेंस आर क्यूज ऑफ ऑल सफरिंग इज सो ट्रू। हूएवर एडिटेड द वीडियो ऑफ अ चाइल्ड एंड हिज होलीनेस 40th दलाई लामा इन अ सच misleading way must have very dirty mind. The sad thing is that whoever did it and spread it has caused to many people distresses, and your mindless action will cause you karmic justice. इन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी ये मतलब वीडियो को एडिट किया है, मिसलीड किया है, और जो भी डार्टी थिंग इस पे शब्द यूज़ करे गए थे, ये एक बुरी बात है, बुरा है, नहीं करना चाहिए था, तो इसका परिणाम जो आपने कर्म किए हैं, जैसे कि आपने देखा इतनी ज़्यादा रैली चल रही थी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, धर्मशाला, मंजू का टीला, उड़ीसा, कहाँ कहाँ, USA, स्विट्ज़रलैंड, जहाँ भी तिब्बतन लोग थे, जहाँ भी दलाई लामा के फॉलोअर्स थे, बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट, सभी लोगों ने मतलब दलाई लामा के लिए, दलाई लामा को सपोर्ट किया, दलाई लामा के लिए एक सच्चाई के लिए वो लोग लड़े हैं, दलाई लामा के लिए लड़े, वो मतलब उनका एक टाइम, उनकी एक खुशी, कितने लोगों को रुलाया है आप लोगों ने, मैं तो देखते देखते क्या बताऊं, अभी बीच में एकदम इमोशनल सा हो जाता हूं बीच में, बट फिर भी हम थोड़ा अपने आप को संभाल सकते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा ठीक है। बट इन्होंने क्या कहा है ना, जो भी मतलब लोगों को इतना कष्ट पहुंचा है, अपने दलाई लामा को तो कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा, वो तो कहते बुरा को भला को मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस ह्यूमनिटी के लिए मतलब सहयोग करो, इंसानियत के लिए लड़ो, एक सच्चा इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। वो आपने कितना दुख पहुंचाया लोगों को, कितना रुलाया, एक इंसान को दुख पहुंचाना, कभी अपने आप को, जब आपको कोई बुरा भला कहता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपके आंसू होते हैं, उसकी कीमत जो है ना आप समझते हो ना, तो उस टाइम अपना एक एग्जांपल, इतने लोगों को रुलाया आप लोगों ने, उस पर एक बार विचार करके देखना प्लीज़, तब आप लोगों को समझ में आएगा, जिन लोगों, मीडिया वालों ने, जो भी एक्टर्स जो बुरा भला कह रहे हैं अभी भी, हालांकि अभी भी कमेंट कर रहे हैं दलाई लामा के ऊपर, गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, हालांकि अभी भी सब कुछ क्लियर होने के बाद अभी भी ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी दुख पहुंचाया, ऐसे ऐसे लोगों ने जो भी गंदी हरकत करी, वीडियो गंदी गंदी मतलब इस तरीके से गंदी हरकत से, गंदी तरीके से यूज करी है, उनको जो कर्म का फल आपको अपने कर्मों से मिलेगा, ठीक है, ऐसा इन्होंने कमेंट किया है। और एक और कमेंट, एक धर्म गुरु को बदनामी वाली कोई छोटी से छोटी कार्य भी नहीं करने चाहिए, जीभ निकालना, मुंह से मुंह जोड़ना गृहस्थों का काम है, ना कि एक बौद्ध भिक्षु का, जय बुद्ध।
ये शायद बौद्धिस्ट होंगे या बुद्ध को मानते होंगे, जो भी हो ठीक है, बट ये कहते हैं एक बौद्धिस्ट लोगों को मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं करना चाहिए। लव और कंपेशन है ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, अच्छे से देखा है आप लोगों ने। लव और कंपेशन, इन्होंने एक पिता का फर्ज निभाया है, बच्चे को एक अपनों को खुशी देने की कोशिश करी है। नहीं तो अगर इतना ही था तो दलाई लामा क्यों एक्सेप्ट करते हैं? उसने कहा था बच्चे ने कहना यहाँ क्यों, तो दलाई लामा ने या ओके कम बोला। ये तो वो भी कह सकते थे एक, जैसे कुछ लोग नहीं 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 मना भी तो कर सकते ना, बट उन्होंने एक, उनके अंदर लव और कंपेशन वाली चीज़ है ना, तो वो हमारे लिए मायने कर करती है कि कितनी अच्छी सोच है उनके पास। मतलब हम लोगों को उस पर सोचना चाहिए, कितना अच्छा कार्य करते हैं लोगों के लिए। हम लोगों को एक मिनट निकाल के ज़रा सा और सोचें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लोग अभी भी ऐसी मतलब थॉट्स रख रहे हैं, तो उनको एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी लोगों से कि एक बार कोशिश करें कि अच्छे से सोचने के लिए। एक और कमेंट, फ्रॉम द वीडियो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एस एस दलाई लामा हैज़ एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ सिंपल वे, नथिंग सीम्स अनयूजुअल और एडेड और शैमफुल और वेलगर टू मी इन दैट एक्शन। आई थिंक द इशूस इज डिलीबरेटली रेस्ट टू डिफेम एच एस दलाई लामा एंड हिज गुड अप्रोच ऑफ इंटेग्रिटी अमोंग humans, Asian minds are now being blindly slaves of a cult civilized way of etiquette. This Western and their blind followers don't understand the essence of real humanity and diverse human culture because of their narrow minds. Even thoughts they constantly parrot on human right and such matter. अच्छा कमेंट किया इन्होंने, मुझे समझ में आया है, शायद आप लोगों को भी समझ में आया। मैं थोड़ा शॉर्ट करूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और भी मैं अगर कमेंट पढ़ता रहूँगा हो सकती है शाम भी हो जाए, इतनी ज़्यादा मतलब कमेंट है। थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आई फील लाइक इट इज सच अपसेट वर्ल्ड दैट वी लिव इन देयर इन वेयर आर विटनेसिंग डिफेमिंग अगेंस्ट अ बोधिसत्व हिज हॉलीनेस इज बियॉन्ड ऑल दिस डज नॉट इफेक्ट हिम बट what a world we live in when you have to explain to people and try to convince them that the red rose in front of them is a red rose. It feels surreal. O Mani Padme Hum and my HS Dalai Lama long life benefits all sentient beings including the one that are trying to defame him. सही कहा है इन्होंने भी, और थैंक यू फॉर, यही है जो मतलब इनकी थैंक यू मुझे कह रहे कि मैंने वीडियो डिटेल में बताया तो इनको थोड़ा अच्छा लगा, तो इसके लिए वो थैंक यू कह रहे हैं, और थैंक यू कह रहे हैं कि सभी लोग मिलकर मतलब दलाई लामा को सपोर्ट किया है, और जो भी लोग मतलब दलाई लामा को डिफेम करने की कोशिश किया है। माइक चालू है ना, क्योंकि उस टाइम पे बीच में बंद हो गया था, तो जिन्होंने भी मतलब ऐसा गंदी हरकत करी तो उनके लिए एक मंत्र पढ़ाया, ओम मणि पद्मे हुम, तो इस तरीके का था। उसके बाद ये इमेंस रिस्पेक्ट एंड लव फॉर all follow Buddhist and Tibetan people. Thank you for dealing with his
adversity in the most communicate and graceful manner. If his had happened with another community, people would resort to the hate and violence. This is time to truly practice patience, love, bodhisattva, as taught by our kind teacher. This too shall pass. Bhai, be careful. It is a pure planet attack which is being funded by China. You saw how China renamed Arunachal States, claimed it Jiangxing, and now it will attack Buddhist religion so that the bondage of trust we Hindu and Bodh religion breaks, and then you will see China will attack India. Be careful, such attacks will continue. My uncle, who works in raw intelligence, told me this. उन्होंने कहा है कि सभी लोग बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट जो भी हो, मतलब इंडियंस लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो बोल सब लोग ध्यान दें, बी केयरफुल हो जाएं, क्योंकि चाइना अटैक कर रहा है. उनके कोई रॉ इंटेलिजेंस अंकल कुछ हैं, तो उन्होंने मतलब उनको ऐसा बताया, तो कमेंट इन्होंने यहाँ पे रखा है. थैंक यू सभी लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करने के लिए. Chinese money matter here to defame Dalai Lama. Media is all for money, no ethics. तो इन्होंने कहा है कि ये चाइना का मैटर है. जैसे कि कुछ कमेंट बहुत ज़्यादा थे, कमेंट मैंने एक ही कमेंट उठाया यहाँ पे, कि ऐसे ऐसे मीडिया पे भी, न्यूज़ पे भी, हर जगह आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. तो ये चाइना का मैटर था, कहते हैं इस तरीके से पैसे दे के जो भी करवाया गया, ठीक है. उसके बाद यू डोंट नीड टू डिफेम दलाई लामा इफ हिज इनोसेंट. ऑल दिस execution won't cause him any trouble. It will only raise more suspension if you have to defend him so much. As a monk, the world of Sangharic people should not affect you or Dalai Lama himself. So keep your calm, focus on your life. वो कहते हैं कि मतलब किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी की कुछ भी बुरा भला कहने से. जो इंसान जैसा है वो एकदम काइंडफुल है, हम्बल है, और ह्यूमिलिटी के लिए वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग है, वो वैसा ही रहेगा. किसी के एक दो बुरे भले शब्द कहने से उनको कुछ नहीं होने वाला, और ना ही किसी बुद्धिस्ट को, ना ही किसी इंसान मानव को किसी एक शब्द से बुरा भला कहने से कुछ नहीं होने वाला. तो कहते हैं वो अपने लाइफ पे फोकस करो, और जो दलाई लामा को सपोर्ट करें, हम उन सबको सपोर्ट करें. एक और है, can't believe how many are defaming sexual abuse Dalai Lama. I hope you will pay deeply for this. वो कहते हैं हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग दलाई लामा को डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको निंदा करने के लिए कितने ज़्यादा मतलब हद पार कर चुके, तैयारी कर रहे हैं. तो उस मैटर को क्लियर करने के लिए कुछ ज़्यादा डीपली कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. जैसे कि हर अलग अलग जगह पे लोगों ने दलाई लामा के लिए नारे लगाए हैं, दलाई लामा को सपोर्ट करने की कोशिश करी है, सपोर्ट किया है. सभी लोगों ने, हम सब मिलके हम सब लोगों ने सपोर्ट किया है. तो शायद उनका कमेंट इसमें सही है. इसके बाद, यू कैन ऑल प्रिटेंड इट्स नथिंग बट इट्स क्रीपी एंड इनकॉर्पोरेट. अमेजिंग हाउ दे ट्राई टू प्ले इट डाउन एंड blame other for the action of their leader. As so far many other religious leader never mind the victims he did not, and it cannot be played down as culturally acceptable apart from the probability that he is डॉडगी क्या है पता नहीं. हाँ, ही प्लेड राइट इन टू द हैंड्स ऑफ द चाइनीज. इफ यू पे दिस डाउन टू रिस्क डिस्क्रेडिंग द क्यूज ऑफ फ्री एंड इंडिपेंडेंस डिबेट चाइना. आई डोंट नो,
आप लोगों को समझ में आ गया, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। जो भी, आर यू किडिंग मी, यू गिव एन एक्सप्लेनेशन अबाउट एवरीथिंग एक्सपेक्ट फॉरगेट टू मेंशन दैट ही किस्ड द बॉय ऑन हिज लिप्स, इज दैट नॉर्मल। बोलते हैं कि तुमने एक्सप्लेन तो अच्छे से किया है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने एक्सप्लेनेशन दिया है बट कुछ, बट क्या कहते हैं, जो दलाई लामा ने लिप पे किस किया ना, वो भूल गए, कहते हैं, कहते हैं कि इज़ दैट नॉर्मल, लिप पे किस करना क्या नॉर्मल है? इफ़ सो देन फॉर हुम, बोलते हैं अगर है तो किसके लिए? फॉर ऑल रिलीजियस लीडर, दे कैन किस एनी यंग काइंड बॉय और गर्ल ऑन लिप्स। हर किसी को, मतलब बच्चे जो भी हो, कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं कि पूछ रहे, यू आर आस्किंग पीपल नॉट आ बिलीव देयर ओन आईज, दैट्स हाउ ग्रोमिंग स्टार्ट्स, प्लीज डोंट नॉर्मलाइज ग्रोन अप्स, डोंट किस किड्स ऑन लिप्स, नोर डू नॉट डू दे आस्क टू एनीथिंग देयर टंग। इनको भी मतलब नहीं पता है कि दलाई लामा कितने काइंडफुल हैं, कितने बच्चों को, बच्चों से लगाव है, वो एक भगवान के अवतार हैं, बुद्ध के अवतार हैं, अवलोकितेश्वरा के अवतार हैं, वो एक दादाजी का उन्होंने फ़र्ज निभाया है। तो जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चे को ओठों पे चूमता है, दादाजी अपने बच्चों को चूमते, तो उन्होंने एक, वो एक फ़र्ज निभाया अपने दादाजी का, तो माँ बाप का एक फ़र्ज निभाया उन्होंने। तो वो कहते हैं ये क्या ये नॉर्मल है, तो मतलब इनका कन्फ्यूज़न है। तो उन्होंने एक थोड़ा चर्चा कर ली थी इस पर, उन्होंने अपना एक फैमिली का फ़र्ज निभा कर उसको अपनापन एक एहसास दिलाने के लिए एक अपनों का प्यार जताया। अभी ये नॉर्मल आप कैसा सोचते हैं, ये आपकी सोच है, जो हकीकत है वो हमने हकीकत में चर्चा करी है। उसके बाद मैनी मीडियाज आर टॉकिंग अबाउट दिस किड्स, इफ़ सच अटेंशन केयर वरिस इज देयर फॉर किड्स, वाई इंटीमेट मिलियनेयर्स ऑफ किड्स आर फोर्सफुली एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिड एनी मीडिया केयर अबाउट किड्स इन टिबेट, एनी मीडिया टॉक्ड अबाउट कोरेट अबाउट टिबेटन किड्स हु आर सफरिंग इन टिबेट अंडर द CCP इन चाइना। हाँ, बहुत अच्छा कमेंट इनका, वाई द मीडियाज आर सच केयरलेस फॉर टिबेटन किड्स इन टिबेट, एक्चुअली हिज हॉलीनेस इज प्योर हार्ट, नॉट एनी इंटेंशन लाइक दोज डर्टी माइंड ऑफ मीडियाज। बहुत बढ़िया, हिज हॉलीनेस इज ऑलवेज प्लेफुल जॉयफुल एंड कंपेशनेट कंपेशनेट नेट टू एवरी वन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिफोर बार्किंग नॉनसेंस न्यूज, फर्स्ट फुटफुल वीडियोज, सेकेंड लर्न अबाउट हिज हॉलीनेस, थर्ड मीडियाज शुड एपोलाइज हिज हॉलीनेस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, हमें भी तो पता चले लोगों को अपने अंदर की अच्छाइयाँ और क्या कमियाँ हैं, इतने आसानी से नहीं पता चलता, कोई उनको बताता नहीं, तो प्लीज़ हमें भी तो बताओ कि क्या कमी है, हम भी तो जाने। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी ने सारी उम्र सबके बारे में सोचा, पर लास्ट टाइम में इस सोशल मीडिया के एक वीडियो के कारण सभी बुद्धिस्ट को दुखी कर दिया है, तो हमारे यहाँ मैसेज है कि जो कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो पहले एक बार ठीक से देख लें। हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी हमारे गुरु जी को कोई बदनाम करे हमें पसंद नहीं है। तो पसंद वो तो ठीक है, मतलब इन्होंने कहा है कि जो कहते हैं ना, जैसे कि अभी तक वीडियो जिसने देखी भी अच्छे से नहीं देखी, ध्यान से हमने इसमें जूम करके दिखाया, तो वो सब अच्छे से देख लें,
और गुरु जी को ऐसे ही बेवजह बदनाम ना करें, निंदा ना करें। निंदा उन लोगों को होना चाहिए जिन लोगों ने ये सब गंदे कर्म करे, गंदी हरकत करी, उन लोगों को निंदा होना चाहिए। एक लिखा है, बायकॉट दोस मीडिया हु स्प्रेड फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आवर होलीनेस नमो बुद्धाय फ्रॉम साउथ साइड ऑफ इंडिया। व्हाई आई मेंशन माय प्लेस मींस वेरी एवरी कॉर्नर ऑफ द इंडिया नोस वेल अबाउट आवर हिज होलीनेस मैं बुद्धा गाइड द इग्नोरस वंस। सही है, अच्छा किया इन्होंने। द दलाई लामा इज गुड, ही जोक्स एंड प्लेड विद द सेंसिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड। दोज पीपल हु से समथिंग अगेंस्ट हिम टू नॉट अंडरस्टैंड हिम, दे सी द वर्ल्ड बेस्ट ऑन देयर सेंस एंड से वट इज नॉट डू नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। और मणिपद में हम लिखा है, सब कुछ सही हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच लामाला फॉर मेकिंग दिस वीडियोज ऑन दियर मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव्स। यू हैव बोधिचित्ता माइंड दैट वी ऑल कैन फील एंड हियर फ्रॉम यू, ग्रेट कंटेंट फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल। मे यू स्प्रेड बुद्धा धर्म टीचिंग एनीवेयर यू गो, बुद्धा धर्म इज treasure for all mind kind। थैंक यू जी उसके लिए। और इन ओपन हॉल इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द प्रेजेंस ऑफ कैमरा ही एक्सप्रेस्ड हिज लव एंड बी ब्लेसिंग टू द यंग बॉय विथ हिज काइंड गेस्चर। No offense whatsoever in his action, ugliness is with the one who interprets an alternate motive। कुछ सही है, मतलब इन्होंने अपनी एक सोच यहाँ पे दी है। We also need to waver from those BJP RSS people also, since they also want to defame Buddhism। There have been many incidences of conversion to Buddhism from Hinduism। It's an opportunity for them to indirectly take advantage of this incident। BJP और RRS ये बुद्धिज़्म को मतलब पहले से मतलब नुकसान पहुँचा रहे हैं, नीचे गिराने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं, तो उनको एक शायद ये इस तरीके से वीडियो मिस यूज़ कर एक मौका मिला है। वैसे तो मौका तो आप लोगों ने चाइना को भी दिया है, हर किसी को, मतलब अच्छे लोगों को मतलब मौका नहीं है, बिगाड़ने की हद पार करी आप लोगों ने। क्या कहूँ अब, जो भी हमने अभी तक क्लियर करते आ रहे तो एक एक ऊपर बस पढ़ते जाएंगे हम कमेंट थोड़े से। आई थिंक दिस बॉय माइट बी बिकम वेरी फेमस एंड रिलीजियस माइंडेड इन फ्यूचर by the grace of and the Dalai Lama, best of luck for the boy। बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। गुरु जी का बारे में ऐसा बात बोलना भी गलत है, मैंने संदीप भाई का वीडियो देखा और उसके बाद यह वीडियो देखा, गलत तो कहीं भी नहीं लग है। उन्होंने संदीप भाट जो एक यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो देखा, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है और उसके बाद मैंने भी अच्छे से विस्तार में बात करी है। वो कहते हैं गलत कहीं भी नहीं है, सब कुछ सही है। गलती कहाँ पे होगी, जब मैंने इतने अच्छे से जूम करके दिखाया है, क्या गलत है उसमें, कुछ गलत नहीं। तो थैंक यू सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए, नमो बुद्धाय। आप लोग चाहें तो सपोर्ट भी कर सकते हैं और हमें इस पर इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड हेल्थ टिप के रिगार्डिंग वीडियोज़ बनाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को नीड्स है तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।